हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्रोवाइडर। अभी हम आपको 3 BHK का फ्लैट दिखाने के लिए आए हैं जो कि 1450 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और यह पटना जंक्शन से मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भूपतिपुर में बना हुआ है, जो कि एक सोसाइटी में 6 ब्लॉक की सोसाइटी है जिसमें पार्क मंदिर सारा सुविधा के साथ आपको दिया जा रहा है और बिल्कुल ही बेहतरीन फ्लैट है। तो वीडियो क्लास तक बने रहे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक और वीडियो पूरा देखिए। बहुत ही बेहतरीन फ्लैट है, 1450 स्क्वायर फीट में ढंग का फ्लैट निकाला हुआ है। ये देखिए, ये मेन एंट्रेंस गेट है, ये थर्ड फ्लोर पे फ्लैट है आपका जो कि नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है। फेसिंग भी बहुत बेहतरीन है, यहां से मेन एंट्रेंस है। अभी हम कॉरिडोर से लेकर पार्किंग सारा एरिया दिखाएंगे, वीडियो क्लास तक बने रहे। और ये देखिए, यहां से हम एंटर करते हैं और ये आपका ड्राइंग हॉल का एरिया हो गया। ड्राइंग हॉल के स्पेस की बात करेंगे तो 15x10 का आपका ड्राइंग हॉल का एरिया हो गया। बिल्कुल ही एल शेप में ड्राइंग हॉल है, 15 फीट लंबा और 15.5 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा आपका ड्राइंग हॉल का एरिया हो गया। और ये देखिए, ये डाइनिंग हॉल का स्पेस हो गया आपका। डाइनिंग हॉल के स्पेस की बात करेंगे तो 12.5 फीट लंबा, जिसमें कि आपका डाइनिंग के साथ बालकोनी भी अटैच है, आपका 12.5 फीट लंबा और लगभग 10.25 फीट चौड़ा आपका है डाइनिंग हॉल का स्पेस है। इसके साथ देखिए बालकोनी भी अटैच है। और ये आपका किचन का एरिया हो गया। किचन की साइज की बात करेंगे तो 10x6 का किचन है। ओपन किचन है जो कि आज के डेट में डिमांड है ओपन किचन का, और बिल्कुल ही खुला और स्पेसियस ये है। जस्ट बगल में आपका रिसोर्ट्स है तो आपको हमेशा ये फ्लैट लाइटेड और हवादार होगा। ये देखिए, ये 100% रेसिडेंशियल एरिया में फ्लैट है। ये अगल बगल का आपका व्यू है। ये देखिए, ये ओपन किचन है आपका। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही बेहतरीन। अभी हम आपको फ्लैट दिखाने जा रहे हैं। और ये देखिए, ये कॉमन टॉयलेट का एरिया हो गया। ये 100% रेडी टू मूव फ्लैट है। मीठापुर बाईपास, बाईपास से मात्र 1 किलोमीटर का डिस्टेंस में है, पटना कॉन्वेंट स्कूल के जस्ट बगल में है और रीति रिवाज रिसोर्ट्स के जस्ट बगल में ही आपका फ्लैट है। ये देखिए, ये आपका नलबल सारा लगा हुआ है, प्लम्बिंग का काम किया हुआ है, वायरिंग का टोटल वर्क किया हुआ है, रेडी टू मूव फ्लैट है। वॉल पुट्टी वगैरह सारा किया हुआ है, बस आप इसको परचेज कीजिए और पेंट करा के आप इसमें रहना चालू कीजिए। ये देखिए, आपका पहला बेडरूम हो गया। इस बेडरूम की साइज की बात करेंगे तो 12x10 का ये बेडरूम हो गया आपका। ये देखिए, अलमीरा वगैरह सारा दिया हुआ है, 10 फीट चौड़ा है, 12 फीट लंबा है आपका। विंडो वगैरह दिया हुआ है, ये लाइटेड और हवादार फ्लैट है। ये अलमीरा दिया हुआ है, यहाँ पे आप इंटीरियर का भी वर्क करा सकते हैं, पूरा स्पेस दिया हुआ है। इंटीरियर वर्क के लिए भी यहाँ पे स्पेस बना हुआ है, चाहे तो आप यहाँ पे करा सकते हैं। और ये आपका दूसरा बेडरूम हो गया। इस बेडरूम की साइज की बात करेंगे तो 10 फीट चौड़ा है और 17 फीट लंबा है। जी बिल्कुल सही सुना, 17x10 का ये बेडरूम है। तो बिल्कुल ही स्पेसियस और लंबा बेडरूम है, रेयर ही इतना बड़ा बेडरूम देखने को मिलता है और मात्र 1450 स्क्वायर फीट में इतना बेहतरीन फ्लैट निकाला हुआ है। बिल्कुल स्पेसियस फ्लैट है जिसमें डाइनिंग से लेकर ड्राइंग से लेकर बेडरूम सबका स्पेस बेहतरीन है। ये देखिए, आपका विंडो वगैरह भी सारा लगा हुआ है, वायरिंग वगैरह सारा चीज किया हुआ है, रेडी टू शिफ्ट है। आज के डेट में इसको परचेज कीजिए
और रहना चालू कीजिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम कॉरिडोर से लेके पार्किंग का सारा एरिया भी आपको हम दिखाएंगे। दो लिफ्ट दो सीढ़ी के साथ ये बिल्डिंग है। ये देखिए, ये आपका तीसरा बेडरूम हो गया जो कि आपका मास्टर बेडरूम हो गया। छह ब्लॉक की सोसाइटी है जिसमें कि आपका पार्क टेम्पल सारा चीज दिया हुआ है। इस बेडरूम की साइज की बात कीजिएगा तो 12x10 का ये बेडरूम है। अब बिल्कुल ही स्पेसियस बालकोनी है, बहुत ही बड़ा बालकोनी आपको इसके साथ दिया जा रहा है 12x10 का ये रूम हो गया और इसके साथ आपका एक अटैच बाथरूम हो गया। ये देखिए, चौदह सौ पचास स्क्वायर फीट में बना हुआ यह 3BH का फ्लैट है। पटना कॉन्वेंट स्कूल जस्ट बाउंड्री के बगल में पटना कॉन्वेंट स्कूल हो गया। और ये देखिए आपका ये बालकोनी का एरिया हो गया जो कि 10x5 का आपका बालकोनी है। व्यू आपका बगल में बहुत अच्छा है और ये 100% रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। ये देखिए, छह ब्लॉक की सोसाइटी बगल में आपका है सारा चीजें। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो क्लास तक बने रहे। अभी हम आपको कॉरिडोर से लेकर पार्किंग का एरिया दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, एक लिफ्ट का एरिया है, लिफ्ट लग रही है। ये कॉरिडोर का एरिया हो गया, ये एक सीढ़ी का एरिया हो गया, ये एक सीढ़ी है गया, पहला सीढ़ी आपका हो गया और लिफ्ट आपने देखा। ये देखिए, ये कॉरिडोर का एरिया हो गया। थर्ड फ्लोर पे है, नॉर्थ फेसिंग आपका 3BH का 1450 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। जस्ट बगल में आपका पटना कॉन्वेंट स्कूल हो गया। देखिए इस साइड आपका पटना कॉन्वेंट स्कूल हो गया, ये डक एरिया था। दो लिफ्ट दो सीढ़ी पर पार्क टेम्पल छठ पूजा के लिए फोन के साथ दिया जा रहा है। एक लिफ्ट चालू है, ये देखिए यहाँ पर लिफ्ट हो गया और ये सीढ़ी का एरिया हो गया। वीडियो क्लास तक बने रहे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अभी जस्ट हम आपको पार्किंग का एरिया दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये पार्किंग का एरिया हो गया, एक लिफ्ट और सीढ़ी इधर हो गया। तो पूरा स्पेस आपका पार्किंग है, सामने में ड्राइववे है और दोनों साइड पार्किंग है आपका। दोनों साइड से एंट्री है। ये देखिए, जस्ट बगल में आपका पटना कॉन्वेंट स्कूल हो गया, ये पटना कॉन्वेंट स्कूल हो गया। भूपतिपुर मोहल्ला को बोलते हैं, भूपतिपुर में है जो कि पटना जंक्शन यहां से मात्र 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और जिनको भी किसी भी लोकेशन में प्रॉपर्टी चाहिए, प्लॉट या फ्लैट चाहिए, तो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, या किन्हीं को सेल करना है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।